पार जाना होगा, उस पर एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में हमारी बड़ी बहन चंद्र जाती शाम और सुबह पूजा करने आती है। उस मंदिर में आप चुपके बैठ जाना और हमारी बड़ी बहन चंद्र जाती की तस्वीर खींच लेना। ये तुम्हारे बहन के नहीं, हम तो तुम्हारा क्या देसी बाबू, मैं फोटो किसी को देती नहीं हूँ, बताइए। लेकिन एक बात ये बताइए, क्या हम कुछ इंसान है एक समुद्र पार नहीं कर पाते, सात समुद्र कैसे पार करेंगे? आप घबराते क्यों हैं परदेसी बाबू? इसका उपाय मैं बताती हूँ। परदेसी बाबू यहाँ आइए, ये अंगूठी निकल ठहरा, ये लो इसे निकल। ठहरो मैं देती हूँ, ये लो इसके जरिए तुम सात समंदर उस पार हो जाओगे। और ये लो बांसुरी, ठहरा। अरे कुछ हम तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे, ये लो। अब आप सोचते हो कि मैंने बस बांसुरी किस लिए दिया आपको? मैंने इसलिए दिया है, जब तुम्हें कोई कष्ट हो, मुसीबत हो, तो इसे बजाना, मैं आकर आपकी हर मुश्किल को आसान कर दूंगी। लेकिन परदेसी बाबू, इसमें खूबी है। कौन सी खूबी है? इसमें ये खूबी है, इसे आप सीधा बजाओगे तो मैं कहीं भी रहूंगी आपके पास फौरन दौड़ती हुई चली आऊंगी, और इसे आप उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी। क्या कब बजाया? परदेसी बाबू, समय हो रहा है, हमारी बड़ी बहन चंद्र जाती मंदिर पर आने की तैयारियां कर रही होंगी। आप बांसुरी बजाइए, मुझे रुख्सत कीजिए और आप जितने जल्द हो सके मंदिर फौरन पहुँचिए। मेरे घर चलोगे? मेरे घर पे क्या है? चलो हम बहुत टहलुआ जवान, घर क्या लेते हो? तुम्हार बर्तन मांजब, तुम्हार बिस्तर लगाओ, तुम्हारे चूल्हा में लकड़ी लगाओ, तुम्हार धान का जब पैरा बिठाओ, बहुत टहलुआ है। तो यही टहलुआ जवान, हम बिस्तर लगाओ और खुश हो जाओ। हाँ तुम्हें नहीं ले कर जाऊंगी, चलो हमें कुरकुरी पकड़ कर ले नहीं जाए। ये मानेंगे नहीं, ये जाएंगे। और हाँ, अपनी जान निकल कर हथेली पे रख लो, वहाँ पर तुम्हारे चारों तरफ मौत ही मंडरा रही होगी। पीछे मौत सही आऊंगा। परदेसी बाबू, आप बांसुरी बजाइए, ये मानेंगे नहीं। मोहित मुझे बांसुरी दिया है और बांसुरी में खूबी बताया है कि उल्टा बजाओगे तो मैं चले जाऊंगी और सीधा बजाओगे तो आपके पास आ जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, इस बांसुरी को मजमाइश करें, अब आप सीधा बजाएं, देखो मोहित मेरे पास आती है या नहीं आती। क्यों नहीं जाओगे? तुमको तो लेकर जाऊंगी। परदेसी बाबू आप इधर आइए, आप ली बांसुरी किसने बजाया?
मोनी मैं बांसुरी की अजमाइश कर रहा हूँ। अजमाइश कर रहे थे? क्यों नहीं कर चुके हो? हाँ। तो बांसुरी बजाइए, अब दोबारा नहीं बुलाना, और बहुत कष्ट पड़ता है। अच्छा, और तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसा कैसे? अब बांसुरी बजाइए ना। ये क्या बता? तुम्हारे अम्मा सब बताओ। है शेरू, माँ से तुम्हें कुछ नहीं बताना। देव राजू माफी बचा बचा जीवो फसाओ। मैं कहता हूँ माँ से तुम्हें कुछ नहीं बताना। नहीं तो एक हम कह दियो। क्या बासुरी? क्या करोगे? हम हूँ बजाओ। इसलिए देखिए हमें बजाए आओ कि नहीं आओ। लेकिन बासुरी को हम देंगे नहीं तुम्हें। तुम्हारे अम्मा पक्का बताऊ? हम चाहिए। नहीं शेरू, बताना नहीं माँ से, हम देंगे बजाने के लिए। अगर हमारे बजाए आएंगे ना तो कौनो दिन 12 बजे रात में वही महुआ ला बुलाओ। रात में कैसे बुलाएगा? सारा महुआ यही से भिजवाओ। आ जाए भगवान एक दही खाली हवा ली करियो बजी है। लेकिन ये बताओ किस तरफ से बजा रही है? उल्टा यार। उल्टा बजा रही थी? हाँ। उल्टा बजाने से और तू निकल जाएगी, सीधा बजाना था। हाँ यार, उल्टा भी वो शंका पूर्वक निकल उठे हुई तो उसे सीधा उड़े लाभी समुदाय। आ जाए भगवान, आ जाए चाहे पूरी जगतपुर की मिठाई वही रखो। आ जाओ परदेशी बाबू, ये बताइए कि बांसुरी किसके बजाय? क्या राजू हमारा दोस्त है। हाँ। हमने सोचा कि हमारे दोस्त के बजाने से आप आती हैं। जी हाँ। मान लीजिए कभी किसी मुसीबत में राजू हमारा भाई फंस गया और बांसुरी बजाने लायक ना रहा तो हम कहा देखिए हमारे बजाय ये बजाय। परदेशी बाबू, तुम दोनों तो जितनी ज्ञान हो किसी के बजाने पर घर आऊंगी, लेकिन आने के कारण कोई मकसद हो तब इस वक्त तुम्हें कौन सा कष्ट था जो आधे रास्ते से लौटा करके लाया हो बताइए। कष्ट तो हमका बहुत है। क्या कष्ट है? समंदर अंदर भाकुरे जाए। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। और इसी बाबू इधर आइए, अपने बाबू ने क्यों दे दिया इन्हें? नहीं नहीं, आपकी ये बांसुरी जुदा हुई तो आपकी जान भी जा सकती है, आप मारे जा सकते हो। नहीं मोहिनी, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस बांसुरी को अब इसको नहीं देंगे। इस बांसुरी को हम अपनी जान से ज्यादा अच्छी बात करेंगे। बहुत तेज की अच्छी बात कर रहे हो तुम, इसे जुदा मत करना। नहीं नहीं, कभी नहीं, होना नहीं चाहिए। ठीक है, बांसुरी बजाइए और तुम मेरे साथ चलो। Thank you.
रुपए दे दो यार। ये धनवा मल्लू की रही कहा यार, एक बार बताइए तुम्हारी हर मुश्किल आसान होती जा रही है। क्यों नहीं, तुम्हारा किस्मत मेहरबान है तो गधा पहलवान। देखिए दोस्त कहना चाहता है, कहीं ना कहा जब जो देखे नसीब वहां अगर जड़े का सोचियो तो सऊदी मिली पक्का है। तुम्हारे किस्मत का सितारा बुलंद है, तुम को अंगूठी मिल गई, अंगूठी के जरिए सात संबंधक पार हो गए। कोई कष्ट मुसीबत पड़ेगा बांसुरी बजाओगे, मोहिनी आकर मुसीबत को दूर करेगी। अब हमका घर जाए, क्या घर जाओगे क्या करने के लिए भैया? धान काटे आंधी पौरा बदली बूंद हो गई, हमारे धान के लिए तो ठीक है, तुम जा सकते हो। अम्मा से कुछ कहा कोई थोड़े मत बता दिए? नहीं नहीं, माँ से तुम्हें कुछ नहीं कहना है। माँ पूछे तो बता दिए अपनी बहू को इंतजाम कर। अगर माँ पूछे कि मेरा बेटा कैसा राजू तो बता देना, ठीक है बता दे। लेकिन एक बात है, कौन सी बात? जिस वक्त आप तस्वीर ला के हाजिर करोगे आप यहाँ के राजा वहाँ के राजा बना दिए जाओगे। क्यों नहीं, राजकुमारी शादी हो जाएगी, गरीब आदमी भूलना नहीं भाई। शेरू आप चिंता ना करें, जब तक रहेंगे हम जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलेंगे, पक्का वादा। मुझे आदमी ठीक हो यार, लेकिन बाजी थी हम भैया फिलहाल भूलना नहीं, जब राजा बन जाओ तो एक कॉलोनी हमका दे दी। शेरू आप चिंता ना करें, जब हम वापस आएंगे तो एक कॉलोनी नहीं हमें दो कॉलोनी हम मिला। लोहिया मिले 3,80,100 रुपया नलका के साथ। बहुत हरामी जेलर है,